हे गाइस ऑल एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे एडवांस फिल्टरिंग पे। एडवांस फिल्टरिंग बता रही थी मैं आपको, तो मैंने आपको ये बताया था कि डेटा हमने बनाया था और इसमें हमने A1 में लिखा था, एक्सेल में, एक्सेल खोला और A1 में लिखा हमने आइटम आईडी, B1 में लिखा नेम, जो बंदा सेल करेगा नेम, जस्ट नेम लिखेंगे सिर्फ, NAME। C1 में हमने लिखा था आइटम नेम, है ना, B1 में नेम था और C1 में आइटम नेम। D1 में हमने लिखा था मंथ और D1 में लिखा था हमने सेल, ठीक है। अब हमने E1 में सेल लिख दिया। अब हमने कहा, क्या कहा था कि आपको ये इनके नीचे, सबके नीचे डेटा आएगा, मंथ्स के नीचे मंथ्स आएंगे, सेल के नीचे सेल आएगी, हेडिंग के नीचे जहाँ नेम है उसके नीचे नेम आएंगे, और जहाँ जो आइटम नेम है उसके नीचे आइटम आएंगे, और जहाँ आइटम आईडी जो A1 में लिखा था उसके नीचे सब आईडीज आएंगी, आइडेंटिटीज, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमने कहा था कि आप सारी हेडिंग्स को कॉपी कर लीजिए। कैसे करेंगे, A1 पे शिफ्ट दबा के राइट एरो करेंगे तो AB1 कॉपी हो जाएगा, सॉरी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर एक बार और शिफ्ट दबा के रखेंगे, राइट एरो करेंगे, C1 कॉपी हो जाएगा, फिर एक बार D1, फिर एक बार E1, यानी शिफ्ट को दबा के रखें A पर और 4 बार राइट एरो कर दें तो आपका E तक सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि A ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपने कर्सर वहां रखा है तो वो सिलेक्टेड है, ठीक है। एक बार में दो, यानी जिस पर आपने कर्सर रखा है और एक उसका नेक्स्ट सिलेक्ट होता है, इसी तरह राइट में सिलेक्शन होता है, इसी तरह, ठीक है, इसी तरह करेंगे, इसी तरह लेफ्ट में भी होता है। तो सिलेक्ट कर ली हेडिंग, कॉपी कर ली, कॉपी करके हमने कहा था आपको यहाँ पे आप I1 में पेस्ट कर लो, ठीक है, IJKLM। तो आई से एम तक आपकी हेडिंग्स आ गई ओनली, IJKLM, ठीक है। अब हमारा J1 में नेम है, तो हमने आपसे कहा था कि आप क्या करोगे, यहाँ एक फॉर्मूला लगाओ। पहले आप फॉर्मूला मत लगाओ, सबसे पहले आप ये करो कि जब आपने कॉपी करके जो पेस्ट करी है I1 से M1 तक हेडिंग्स, ठीक है, अब क्या करो आप, अब आप करो सबसे पहले, यहाँ फिल्टर एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको डेटा टैब में जाना है क्योंकि एडवांस फिल्टर है, ऑल्ट ए करो, फिर फिल्टर बटन आएगा, फिल्टर बटन के बाद ध्यान से सुनना, एक बार या दो बार और टैप करोगे, है ना, ऑल्ट ए किया, टैब से गए फिल्टर बटन, फिर दो बार कम से कम टैप करोगे, फिर आएगा एडवांस बटन, क्यू बोलेगा उसके लिए शायद, हाँ एडवांस बटन आएगा, ध्यान से सुनना, वहाँ आपको स्पेस बार या एंटर करना है। स्पेस बार एंटर करने के बाद आपको पूछेगा लिस्ट क्राइटेरिया, अभी आपको लिस्ट क्राइटेरिया नहीं देना है, आप एक बार शिफ्ट टैप करो, शिफ्ट के साथ टैप करो तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, अप डाउन से देखना, इन प्लेस करके एक ऑप्शन आएगा और एक आएगा कॉपी अनदर प्लेस, तो जहाँ इन प्लेस करके इन सेम प्लेस आएगा वहाँ, वहीं पे आपको एंटर कर देना है, ठीक है। और कॉपी अनदर वाला भी मत करो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो इन अदर प्लेस पे आपको एंटर कर देना है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, टैप करेंगे तो पूरे पूछेगा लिस्ट एरिया, लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज पूछेगा, तो हमारा जो मास्टर डेटा है यानी A1 से E1 तक, तो हमें उसकी रेंज देनी होगी, तो हमने कहाँ तक डेटा बनाया था, तो हम वहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल टू, इक्वल करेंगे, ठीक है, इक्वल टू डॉलर ए, डॉलर कैसे बनेगा, शिफ्ट के साथ जो है वो आपको 4 प्रेस करना, नहीं 3 प्रेस करना है, एक मिनट, नहीं हाँ आपको 4 प्रेस करना है, शिफ्ट 3 नंबर के लिए होता है, हाँ 4 प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट 4 करेंगे तो डॉलर, शिफ्ट 4 किया तो डॉलर का साइन बना ए डॉलर 1 कोलन, करेंगे फिर कोलन करके बाद डॉलर शिफ्ट 4, फिर ई, फिर डॉलर 11, ये हमने मास्टर डेटा की रेंज है, ध्यान रखना हर बार डॉलर लगाना है, डॉलर ए शिफ्ट 4 से डॉलर बनेगा, डॉलर ए डॉलर 1 कोलन शिफ्ट सेमी से बनेगा कोलन, फिर डॉलर ई डॉलर 11, यानी जितनी रेंज होगी मास्टर डेटा की उतना देना होगा, और बस टैप कर देंगे, फिर आएगा लिस्ट हो गया, फिर उसके बाद आएगा रेंज। अब रेंज क्या देनी है आपको, तो रेंज क्राइटेरिया आपको देना है जो आपने हेडिंग डाली थी, तो हम करेंगे इक्वल टू
फिर वहाँ करेंगे डॉलर आई, शिफ्ट फोर के साथ डॉलर बनता है याद रखना, डॉलर आई डॉलर वन कोलन शिफ्ट सेमी से बनाएंगे डॉलर एम डॉलर वन, क्योंकि हमारी आई जे के एल एम तक थी ना हेडिंग, तो डॉलर आई को डॉलर आई डॉलर वन कोलन डॉलर एम डॉलर वन, फिर एंटर मतलब टैप कर देंगे ओके। एक एक और कुछ बोलेगा, वो आपको नहीं करना है उस पर कुछ, एक और एक ऑप्शन आएगा उस पर कुछ नहीं करना है, फिर दो बारह टैप करेंगे ओके बटन आएगा एंटर कर देंगे। आप जाके देखना कि आपका जो मास्टर नेम है, ठीक है, जो आपका मास्टर डेटा है वहाँ पे आपने क्या करा है। हाँ, जो मैंने आपको नेम वाला फॉर्मूला बताया था वो तो आप भूल ही गई आपको बताना, कि आपको क्या करना था, एक वो देना था फॉर्मूला देना था आपको, क्या करना था, इक्वल कोट करके जो नेम करके देना था, इक्वल कोट नेम कोट क्लोज फिर एंटर, ठीक है। तो जहाँ आपको ये चीज़ बताना भूल गई थी मैं, जो नेम वाला फॉर्मूला लगाया था, तो वहाँ नेम के नीचे आपको कोई एक नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे आपने पीटर लिया था, तो वहाँ जो आई जे के एल एम हेडिंग डाली थी, तो जे के नीचे जे में वन में जो नेम है वहाँ जे टू में पीटर लिखना है। नहीं, आपने जे वन जे टू में फॉर्मूला लगाया था ना। हाँ चलो, कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी दोबारा, कल भी पढ़ाऊंगी ओरल। तो बहरहाल आप जाके देखना मास्टर डेटा में, आपका जो बी वन में है आपका, वहाँ पे फिल्टरिंग हो गई होगी, ठीक है। और एक चीज़ मेरे जहन से उतर गई है, वहाँ पे किसी का नाम देने का आपको बता रही थी मैं कल, वो भी बताऊंगी। बहरहाल ये प्रोसीजर फॉलो करना, और इससे बेहतर प्रोसीजर के साथ कल एक बार और बताऊंगी तरीके से, ताकि आपको नेम कल नहीं बताया तो परसों बताऊंगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डॉलर वाले फॉर्मूले लगाने का बताया है मैंने आपको, और एक मैंने आपको नेम के लिए फार्मूला बताया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी मैं आपको एक बार और बताऊंगी करके, क्योंकि मैं भी कर लूँ एक बार प्रैक्टिकल, कैफे जाऊंगी कल प्रैक्टिकल करके, और फिर आपको एक बार क्लैरिटी के साथ एक और ट्यूटोरियल करूँगी ओरल, फिर प्रैक्टिकल करवाऊँगी। तो ओरल या तो एक और कल करूँगी या फिर परसों, और इसका एक प्रैक्टिकल भी बताऊँगी। थैंक यू सो मच। अरे।